वाओ दिस इज माय हाउस। मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के बज रहे हैं 4:20। गांव जाने के लिए दो वे थे मेरे लिए, एक तो ये था यूनियन चौराहे से लेके अभिकोट से होते हुए कोई शॉर्टकट रास्ता था, बालोतरा होते हुए जा रहा था, उसमें 50 किलोमीटर कम भी बता रहा था, लेकिन मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम रास्ता रहेगा तो इसलिए मैं उधर के लिए रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि अभी थोड़ा मॉर्निंग के टाइम में क्या जैसलमेर सिटी के अंदर भी पेट्रोल पम्प बंद रहते हैं, नाइट में बंद कर देते हैं 10-11 बजे, तो सुबह मेरा अगर पेट्रोल की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, इतना 350 किलोमीटर तो जा ही नहीं सकता कंटिन्यूसली, तो अभी पेट्रोल पंप वगैरह सब बंद हो भी सकते हैं, रास्ता वगैरह कैसा है, ट्रैफिक वगैरह कैसा रहता है, रोड कैसी है, मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने रेगुलर वे ही सेलेक्ट किया है, और मुझे मेरे चाहने वालों ने भी एडवाइस यही किया है कि तुम उसी रास्ते पर जाओ जिसके बारे में आपको पता है, तो मैं उसी रास्ते पर जाऊँ। तो मेरे सामने एक गाड़ी चल रही है अभी, उसकी बैक लाइट भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा रेडियम लगा रखा है ताकि मेरे को पता चले। अभी क्या होता है ना कि जैसे मैं स्पीड से चला रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं कि आगे गाड़ी चल रही है और सामने से गाड़ी आ रही है, तो वो लाइट का फोकस मेरे आँखों के ऊपर पड़ेगा और वो वाली गाड़ी जो है एकदम ब्लर हो जाएगी, डार्क हो जाएगी और मैं सीधा उसके अंदर, तो ऐसे एक अधिकतर एक्सीडेंट बनने वाले ऐसे ही होते हैं, तो ये वाली चीज़ गलत है, इसको ठीक करना चाहिए इस इंसान को जो भी है ये गाड़ी चला रहा है, इनको रेडियम बहुत सारा लगाना चाहिए, लाइट ही करवानी चाहिए, लाइट का कितना खर्चा आता है, जान कह रही है लाइट कह रही है, पैसा प्यारा है, जान रहेगी तो पैसा और कमा लेंगे, तो इतना पास में आने के बाद में कौन सा कंट्रोल होता है, और धुआं छोड़ रही है गाड़ी, कुछ अलग ही लग रही है मुझे, बराती जा रहा है शायद इसके अंदर, शादी की गाड़ी लग रही है एंड बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर। चेंज कर रहा है क्योंकि मेरा हेलमेट का ग्लास जो है वो बहुत ही ब्लर है, इसलिए मैंने वाइट ग्लास चश्मा लगा दिया है। इधर कुछ गाड़ी रुकी हुई बीचों बीच में, क्या हो गया इसको, खास नहीं है और टाइम हो रहा है, हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो टाइम हो रहा है 5:12 एंड मैं पहुंचा हूं, मैं कहाँ पहुंचा, गांव का नाम ही भूल गया। अभी अचानक मेरी धड़कन एकदम से तेज हो गई, गाड़ी चल रही थी 110-120 के हिसाब से और बीच में एक खरगोश नहीं सॉरी हिरण के दो टुकड़े मिले, एक इस तरफ एक इस तरफ, कोई गाड़ी निकल गई मेरे सामने भी, जस्ट उसको क्रॉस करके मैं आगे निकला 500 मीटर समथिंग और फटाक से एक बच्चा कूद गया इस तरफ रोड क्रॉस कर गया। मॉर्निंग के टाइम में ये चाचा गाँव है, चाचा के जस्ट पास में ये जो ट्रक लेआउट होता ना उसके जस्ट पास में वो भी रोड क्रॉस कर रहा था एकदम से, ओ गॉड, उसको मूव करने के चक्कर में मैंने गाड़ी धीरे करी थी, अगर मैंने धीरे नहीं करी तो मैं और वो दोनों आज अच्छी वाली फाइट कर ही लेते। तो यहाँ पे वो है नहीं दोनों तरफ हाईवे कवर करने के लिए, क्योंकि शायद फॉरेस्ट का एरिया है ना इधर, तो मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा सा यही दिक्कत रहता है कि कोई रोड अचानक क्रॉस नहीं कर ले। दिन में मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि मुझे धूप का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए मैं धीरे धीरे ही चल रहा था। कोई नहीं, अपनी लिमिट में चलना चाहिए, 60-70 की स्पीड में हो तो आराम से कंट्रोल कर सकते हो, जस्ट मेरी इसकी स्पीड डबल थी। तो अभी टाइम हो रहा है 5:32 एंड मैं पहुंचा हूँ चाचा गाँव। टाइम हो गया 6:33 और मेरा फ्यूल बचा है ओनली 62 किलोमीटर एंड ये येलो लाइट स्टार्ट हो गई है, तो अभी मैं इसको फुल करवा देता हूँ और यहाँ पे 101 रुपये लीटर चल रहा है, तो अभी ये रेंज बता रहा है 250 बता रहा था, अभी धीरे धीरे बढ़ेगी 300 तक जाएगी, अगर मैं 60-70 की स्पीड से चला ना 80 तक चला 80-90 तक तो ये 400 तक भी जा सकती है, कि इस रेंज में आप 400 किलोमीटर और कर सकते हैं, शायद ये एरर भी हो सकता है, स्पीड के हिसाब से इसके एवरेज के ऊपर डिपेंड करता है, तो अभी जैसा मेरा स्पीड रहेगा वैसा इसका एवरेज आ जाएगा, बाकी सब ठीक है एंड 6:40 मुझे जोधपुर पहुँचते 8:30 तक हो सकता है एंड 9:00 का मेरा टारगेट है कि मैं 9:00 होम पहुँच जाऊँगा, फिर देखते हैं क्या होता है, अगर बीच में कहीं रुकना पड़ा
तो भी लेट हो सकता हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है 7 सुबह के और मैं पहुँच गया हूँ बालेसर, और 1 आवर यहाँ से और लग जाएगा जोधपुर के लिए, फिर सीधा घर के। और जोधपुर से 80 किलोमीटर रहेगा घर। तो ये भाई साहब को मज़ा आ रहा अपनी बाइक देख के। 7:38 और मैं एंटर हो गया हूँ जोधपुर। टाइम हो रहा है 23 और मैं पहुँच गया हूँ पालत कचोरी रोड। तो रोड में मैं पहुँच गया हूँ 8:30 पे, एंड यहाँ से रहेगा 40 किलोमीटर। तो देखता हूँ कि 30 मिनट में कवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि 30 मिनट में कवर हो जाएगा। टाइम हो रहा है 9:05 और मैं पहुंच गया हूं राखाणा। ओ बच्चे, थोड़ा सा लेट हो, ज़्यादा नहीं, और बहुत ही जल्दी मैं घर पहुंचने वाला हूं। हमारे मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई इधर आने से। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई इस रास्ते से, लेफ्ट में, राइट में, अप और डाउन, सब जगह से। वाओ, आई एम सो हैप्पी टुडे बिकॉज आई मीट माय पेरेंट्स, आई मीट माय फादर एंड मदर। ऑफ रोडिंग हो रही है, यहाँ गिर गया तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि क्या टूटा क्या, ये पता नहीं चलेगा। इस रूट पर मैं एवरीडे यहाँ से स्कूल जाया करता था। मैं, डूंगर भाई, करण भैया तो बहुत कम, एक साल, शायद एक साल के लिए, और मेरी जो नींद रखी गई थी वो इस स्कूल से रखी, और आज ये स्कूल जंजर हो गई, पूरी बंद हो गई है। यहाँ पे हम नहाया करते थे, यहाँ पे पानी आता था, गांव में एक ही पानी का स्रोत था, दूसरा कोई स्रोत नहीं था। और यहाँ पे मतलब मेरी स्टार्टिंग पढ़ाई यहाँ से हुई है मेरी, बाकी वाली पढ़ाई मैंने कई आगे आगे स्टेप बाई स्टेप हुई, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मेरी पढ़ाई होती रही। इससे भी आगे है मेरा घर, और प्यारी प्यारी सी बकरी आ गई है। वाह, मैं बचपन में इनके साथ में सोया करता था, मेरी मम्मी को मतलब बकरियाँ वगैरह पालने का बहुत शौक है। ये कौन है, ठाकुर साहब है ये हमारे गांव के, मिस्टर बाबू सिंह जी। वाह, दिस इज माय हाउस।